अजीब लगता है। क्या? कि मैंने अपने दिल के आसपास इतना मजबूत किला बना रखा था जिसे एक फूल वाली ने एक मिनट में तोड़ दिया। किला बनाया क्यों था? चोट से बचने के लिए। जो तलवारों से बच जाते हैं वो अक्सर फूलों से कट जाते हैं। अरे आजकल की लड़कियां भी बाबा लोग के साथ घूमने जाती हैं। अगर यही रफ्तार रही तो कुछ दिनों में ये गोद के बच्चों के साथ घूमने जाया करेंगे। अरे कभी हम जैसे जवान मर्दों के साथ भी घूमने जाया करो तो पता चले कि मर्द क्या होता है। बाबा ब्लैक शीप, हैव यू एनी वूल? ये शाम बहुत छोटी रही। इतने लालची भी मत बनो, ये शाम कल भी आएगी। कल तो बहुत दूर है। बस आज यहीं तक। अब तुम घर जाओ। बाय। बस अब तुम घर जाओ। अरे तुम्हारे होठों पर कुछ है अब? दया, लो तुम ही साफ कर दो। साफ हो गया? नहीं अभी और है। बस जाओ तुम अब। बाय बाय। बाबा
पूजा मैं आ रहा हूँ। भाई मैं जा रहा हूँ। पहले ये बता कि तुम दोनों को यहाँ का पता किसने दिया? कादर भाई ने। कादर भाई ने, अच्छा अच्छा। निशा हा? ये मेरा छोटा भाई है अभि। हाय। और ये इनकी पढ़ाई है पूजा। बहुत पढ़ता हूँ रियली। हाय पूजा, मैंने कहा था ना कि आप बॉडी है मेरे भाई की, इसकी बाजू भी सेक्सी, इसकी टांगे भी सेक्सी, इसकी बैक भी सेक्सी है। चुप। क्या चाहिए तुझे? पैसा? नहीं नहीं, पैसे तो बहुत है। तो फिर? नहीं भाई, एक्चुअली क्या है कि एक क्लब खुला है, बैक पैपर्स क्लब, तो हम लोग सोचा वहाँ जाएंगे, नाचेंगे गाएंगे, थोड़ा पार्टी वार्टी करेंगे, तो हमारे साथ साथ आपकी भी लाइफ इंटरेस्टिंग होगी। मगर आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए हम लोग चलते हैं। एक मिनट, अच्छा चलोगी? हाँ हाँ चलो चलते हैं, बस दो मिनट कपड़े बदल के आती हूँ। तो भाई आप भी कपड़े पहन लीजिए। क्यों? ये तू क्या कह रहे हैं नवाब? हाँ बाबा ये सब सच है। पकिया ने तेरे अभी के लिए कानिया से सुपारी ली है, हमसे प्लेट वापस लेने के लिए उसका मैंने नहीं चाल चली है। पाकिया जानता था कि अभी बाबा की सबसे बड़ी कमजोरी है गद्दार नमक हराम। बाबा तू फिकर मत कर, अभी को कुछ नहीं होगा।
ऋचा निशा निशा दरवाजा खोलो। क्या काम है? मुझे तुमसे बात करनी है। सुन रही हूँ। दरवाजा खोलो निशा। क्या बात है? Don't touch me! मत छुओ मुझे! I hate you! Get out! निशा मेरी बात तो सुनो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं तुम्हें एक सहारा समझती थी, मगर अब मुझे तुमसे डर लगने लगा है। मुझे ये सोचकर भी घिन आती है कि मैंने तुम्हें अपना बदन कैसे छुले दिया। तुम चले जाओ यहाँ से। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। निशा मेरी बात तो सुनो। निशा चले जाओ। Don't even touch me! You're an animal! तुम खूनी हो। निशा मेरी चले जाओ। तुम चले जाओ। निशा मेरी बात तो सुनो। निशा कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कुछ नहीं। निशा मेरी बात सुनो। नहीं चले जाओ। निशा मेरी बात सुनो। निशा तुम चले जाओ यहाँ। आई हेट यू। तुम क्या समझती हो ये दुनिया एक फूल की दुकान है, कपड़ा है, गाड़ी है? तुमने कभी अपने भूख को खा के देखा है? कभी अपने आंसुओं को पीकर देखा है? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने देखा है। मैंने ये दुनिया शराफत की दुनिया नहीं है। यहाँ अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, अपने हक को छीनना पड़ता है। मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम खूनी हो। हाँ हाँ मैं खूनी हूँ, दरिंदा हूँ। तुम्हारी नजरों में दुनिया का सबसे गिरा हुआ इंसान हूँ मैं। लेकिन एक बात सुन लो, जब तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए शहर की शराफत कम पड़ जाएगी, उस दिन तुम्हें इस दरिंदे की याद आएगी।